हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज अपन बात करेंगे मेल गैमेटोफाइट के बारे में। टुडे वील टॉक अबाउट मेल गैमेटोफाइट। यस्टरडे वी हैव सीन देर आर मैनी काइंड ऑफ स्पोरोटेट्राड। दिस इज काइंड ऑफ जस्ट लाइक लीनियर। कैसा है ये? लीनियर है। स्पोरोटेट्राड के अंदर क्या होता है कि स्पोर्स जो है आगे चलकर सेपरेट हो जाते हैं, और आपको पता ही होगा स्पोर्स जो है यहाँ पे जो भी बन रहे हैं माइक्रोस्पोर्स, ये कैसे हैं? एन है। इट मीन्स दीज आर हैप्लोइड। अब हैप्लोइड कैसे बने हैं? ये मियोटिक डिवीजन की वजह से जो है ये हैप्लोइड बने। अब स्पोर टेट्राड के अंदर से जो है ये सारे के सारे स्पोर्स अलग हो गए, राइट? सून अलग हो गए। माइक्रोस्पोर्स जो है सारे आपस में अलग हो गए। अलग होने के बाद में क्या होता है? जैसे सपोज दैट दिस वन इज द माइक्रोस्पोर। अब माइक्रोस्पोर के अंदर क्या होता है? माइक्रोस्पोर जो है इसके चारों तरफ जो है दो लेयर्स डिपॉजिट हो जाती हैं। माइक्रोस्पोर के चारों तरफ दो लेयर डिपॉजिट हो जाती हैं। वन इज इन द कंटिन्यूअस मैनर। एक कंटिन्यूअस मैनर के अंदर होती है ये, इसके अंदर न्यूक्लियस है, राइट? इस कंटिन्यूअस मैनर के अंदर जो ये लेयर पाई जा रही है इसको बोलते हैं एंटाइन। और एंटाइन राइट दैट इज नोन एज एंटाइन। और इसके बाद में जो सेकेंड लेयर पाई जा रही है That is known as exine. Second जो layer पाई जा रही है that is exine. Exine जो है हमेशा discontinuous manner के अंदर पाई जाती है। Exine जो है हमेशा discontinuous manner के अंदर पाई जाती है that is exine. Outermost is exine and innermost is entine. दोनों के बीच में जो है pore like structures form होती है। These structures are known as germ pores. इनको बोलते हैं germ pores. These are known as germ pores. All right. Exine जो है that is made of sporopollenin. That is known as sporopollenin. Sporopollenin जो है एक hard सा substance होता है, right? And entine is made of cellulose and pectin. ये जो है सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बना होता है। अंदर जो है हैप्लोइड न्यूक्लियस पाया जा रहा है इसके अंदर, और राइट वो इस सेल के अंदर सेम जो प्रॉपर्टीज होती है वो सारी साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनेल सारी स्ट्रक्चर्स पाई जा रही हैं। और राइट सो अब यहाँ पे क्या होता है कि अपन ने देखा है कि जो माइक्रोस्पोर है इट इज सराउंडेड बाय टू लेयर्स। आउटर इज एक्साइन, इनर इज एंटाइन। एंटाइन इज इन अ कंटिन्यूअस मैनर, एक्साइन इज इन अ डिसकंटिन्यूअस मैनर। एक्साइन इज मेड ऑफ स्पोरोपोलिनिन, एंटाइन इज मेड ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। एक्साइन डिसकंटिन्यूअस मैनर के अंदर पाई जा रही है, तो पोर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है, इनको बोलते हैं जर्म पोर। ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म होने के बाद में इसके अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जो है डिवाइड होता है, और डिवाइड होने के बाद में दो सेल्स फॉर्म हो जाती है। और दो सेल्स फॉर्म होने के बाद में जो बड़ी वाली सेल है दैट इज नोन एज वेजिटेटिव सेल, और जो छोटी वाली सेल है दैट इज नोन एज जनरेटिव सेल। छोटी वाली को बोलते हैं जनरेटिव सेल। अब माइक्रोस्पोर से इस वाली स्ट्रक्चर का फॉर्म होना दैट इज नोन एज मेल गैमेटोजेनेसिस, ऑलराइट? और वी कैन आल्सो काउंट इट मेल गैमेटोफाइट, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पोलन ग्रेन। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पोलन ग्रेन, आई होप। अब आपको यहां पे ये तो समझ में आ गया होगा कि माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। माइक्रोस्पोर इज अ सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर, पोलन ग्रेन इज अ डबल सेल्ड स्ट्रक्चर। पोलन ग्रेन के अंदर दो सेल्स वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल्स पाई जाती हैं। पोलन ग्रेन्स की जो है अंदर जर्म पोर्स पाए जाते हैं। पोलन ग्रेन्स के अंदर जो है एक्साइन और एंटाइन पाई जाती है, और राइट जबकि ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर अपन को माइक्रोस्पोर के अंदर देखने को नहीं मिलती है। तो माइक्रोस्पोर का पोलन ग्रेन के अंदर कन्वर्ट होना जो है इसी से फिर क्या फॉर्म होता है, मेल गैमेटोफाइट फॉर्म होता है, राइट? इसी से जो है फिर मेल गैमेटोफाइट फॉर्म होता है। अब क्या होता है यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द जो एंजियोस्पर्म्स हैं, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो पोलन ग्रेन है वो टू सेल स्ट्रक्चर के अंदर जो है ये पोलिनेशन के अंदर ट्रांसफर होता है। टू सेल स्टेज, राइट?
और बाकी की जो 40% है, 40% के अंदर 3 सेल है। अब 3 सेल कैसे, कि जो बाकी के 40% एंजियोस्पर्म्स हैं उनके अंदर जेनरेटिव सेल जो है एक बार और डिवाइड हो जाती है, और डिवाइड होने के बाद में 2 मेल गैमेट्स को फॉर्म करती है। कितने मेल गैमेट्स को फॉर्म करती है, 2 मेल गैमेट्स को। तो 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर तो पोलन ग्रेन 2 सेल स्ट्रक्चर के अंदर ट्रांसफर होता है फीमेल प्लांट, फीमेल जो है पार्ट के ऊपर, और 40% के अंदर जो है 3 सेल के अंदर, 3 सेल मतलब कि एक तो हो गई वेजिटेटिव, और जनरेटिव आगे चलकर जो है 2 सेल्स और फॉर्म करती है, 2 न्यूक्लियस फॉर्म करती है। तो टोटल अपन काउंट करते हैं तो कितनी हो गई, 3 सेल। ऑलराइट, दैट इज ऑल अबाउट दिस। बहुत बार क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स भी जो है एलर्जी क्रिएट करते हैं, दैट इज नोन एज पोलन एलर्जी। That is also known as hay fever. That is known as hay fever. बहुत बार क्या होता है कि जो ये microspores है ये जो है सेपरेट ही नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे microspores आपस में जो है चिपके हुए रहते हैं, that is known as polyspory. Polyspory. इसके अलावा pollen grains की बहुत ज़्यादा utility भी होती है, like medicines के अंदर भी काम में आते हैं ये, एडिबल पार्ट है एक तरीके से ये, ऑलराइट, और वी कैन से एज अ फूड प्रोडक्ट भी इनको यूज़ में लेते हैं, मेडिसिंस के अंदर इनको यूज़ में लेते हैं, कॉस्मेटिक मटेरियल के अंदर इनको यूज़ में लेते हैं। सो दे हैज मल्टीपल यूटिलिटी, ऑलराइट। एंड पोलन ग्रेन की जो स्टडी होती है दैट इज नोन एज पोलिनोलॉजी, पोलिनोलॉजी दैट इज नोन एज पोलिनोलॉजी, पोलन ग्रेन की स्टडी को बोलते हैं पोलिनोलॉजी। So that is all about male gametophyte. I'm again repeating, जैसे spore tetrad के अंदर जो microspores हैं वो separate हो जाते हैं, separate होने के बाद में फिर जो है microspores के चारों तरफ dual membrane surrounded हो जाती हैं, exire entine, exire is made of sporopollenin and entine is made of cellulose and pectin, and exine जो है discontinuous manner के अंदर होती है, and वहाँ पे germ pores form हो जाते हैं, अंदर nucleus जो है वो दो cells के अंदर divide हो जाता है, एक तो जो है वेजिटेटिव सेल, सेकंड इज जनरेटिव सेल। और लाइट साइटोप्लाज्म भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ज़्यादातर वेजिटेटिव के पास में जाता है, जनरेटिव के पास में बहुत कम साइटोप्लाज्म जाता है। तो जितने भी पोलन ग्रेन्स हैं वो टू सेल स्ट्रक्चर होती है, ऑलमोस्ट इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स, राइट, टू सेल स्ट्रक्चर के अंदर जो है ट्रांसफर होते हैं और स्कैटर होने का काम करते हैं, राइट। बाकी जो 40% ऑफ पोलन ग्रेन्स हैं, 40% ऑफ एंजियोस्पर्म्स है, सॉरी 40% ऑफ एंजियोस्पर्म्स हैं उनके अंदर पोलन ग्रेन्स जो है 3 सेल स्टेज के अंदर ट्रांसफर होते हैं, जिसके अंदर जनरेटिव जो सेल्स हैं वो आगे चलकर 2 मेल गैमेट्स को फॉर्म करती है। आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा कि पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब में क्या होता है कि जो एंटाइन है, एंटाइन के अंदर आउटग्रोथ देखने को मिलती है जो कि जर्म पोर से बाहर निकल जाती है, जो कि किससे बाहर निकल जाती है, जर्म पोर से, जिससे पोलन ट्यूब फॉर्म होती है, दैट इज नोन एज जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, जिसको क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन। तो यहीं पे जो है आपका मेल वाला जो रीजन पार्ट है वो सारा का सारा खत्म हो गया है। इसके बाद में वी विल टॉक अबाउट फीमेल पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज पिस्टल। पिस्टल के बारे में बात करेंगे, इसके अंदर अपन ने स्टैमिन की स्ट्रक्चर देख ली है, ओके। इसके अलावा अपन ने स्टैमिन के अंदर जो एंथर वॉल है उनके बारे में बात कर ली है, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में अपन ने देख लिया है, मेल गैमेटोफाइट के बारे में अपन ने देख लिया है। फिर भी किसी को लगता है कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क एवरीथिंग टू मी, राइट, थैंक यू।